का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे माननीय शिवपाल जी ने जो रखा है शुरू से, आज से नहीं, वो शुरू से हमेशा रहे कि गरीबों का उद्धार, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को सबसे ज़्यादा उन्होंने सर्वोपर किया कि किसानों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारा जो है पार्टी का उद्देश्य है। अब आपके अगर जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? जीत के आने की तो बात की है, ये सभी लोग जानते हैं कि हम एक समाज सेवी हैं, और आज से नहीं, जब से हम जानने वाले हुए हैं और जब से ऊपर वाले ने हमको संपन्न किया है, तब से हम गरीब लड़कियों की शादी, या कि बीमार है, या किसी के पास नल नहीं है, किसी के पास रजाई गद्दा नहीं है, ये हम हमेशा करते हैं, आज से नहीं, 9-10 साल से करते आ रहा हूँ। और हमारा उद्देश्य, अगर मैं जीत के आता हूँ, मैं तो इंडिया का तो ठेका नहीं है, लेकिन मैं अपने ज़िले को उन बुलंद स्थितियों पे पहुँचाऊँगा कि लोग देखते रह जाएंगे कोई सांसद हुआ है। हम मिनरल वाटर प्लांट अपने गांव में लगाने जा रहे हैं, मेरा परमिशन पूरा हो गया है, और कमलापुर शुगर फैक्ट्री के लिए हमने टेंडर डाला है, वो भी उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि वो जो जिन्होंने लिया है वो उसको कटवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको चलाना चाह रहे हैं। हम और हमने लैंड ली है आपके रोसा और चौथा विधानसभा में, वहाँ भी हम फैक्ट्री डालना, अगर हम कामयाब हो गए तो वहाँ भी गन्ना फैक्ट्री डालेंगे। कहने और करने में अंतर होता, कहता सब लोग कि हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, और जो भी आज तक सांसद या MLA आया तो सबने अपना कहाँ से आया ये मीडिया भी जानता है, हमारा वोटर भी जानता है, हमारा किसान भी जानता है, हमारा नवयुवक भी जानता है कि कहाँ से आया और आज कहाँ किस बुलंदियों में पहुँच गए, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारा सीतापुर जिला शिक्षा में सबसे पीछे है, स्वास्थ्य में सबसे पीछे है, क्या मिला हमारे युवाओं को, हमारे वोटरों को, हमारे सीतापुर के जो नागरिक हैं, जो हमारे लोकसभा के लोग हैं, उनको क्या मिला? किसी ने आश्वासन तो सबने दिया लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं आऊँ तो ठीक है लोकसभा में, नहीं आऊँ तब भी मैं जितना सक्षम हूँ मैं करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा लोगों के लिए, ये हमारा उद्देश्य। अगर हम चुन करके आते हैं तो हम, हमारा बिजनेस है, हम उद्योगपति हैं, हम अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम उद्योग लगाएंगे, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे सीतापुर का गरीब व्यक्ति बाहर मजदूरी करने न जाए, उसको अपने सीतापुर में उसको रोजगार मिलना चाहिए।